नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। मेष राशि 13 और 14 अप्रैल रामनवमी और बैसाखी पर्व पर कैसा रहेगा आपका राशिफल, या कहें 13 और 14 अप्रैल आपके लिए कैसी जाने वाली है, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं 13 और 14 तारीख के शुभ अशुभ समय से और फिर जानेंगे राशिफल और आज के दिनों में क्या कुछ विशेष होने वाला है। इन सभी बातों को हम जानेंगे, कौन से वह उपाय होंगे जो जीवन में और खुशियां लेकर आएंगे, और यह जो जानकारी है चंद्र राशि पर आधारित है, आप इसे लग्न राशि से देख कर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो 13 तारीख का शुभ समय रहेगा, यानी अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:56 से 12:47 तक। राहु काल रहेगा 9:12 से 10:47 तक। 14 तारीख का शुभ समय रहेगा 11:56 से 12:47 तक, और राहु काल रहेगा 5:07 से 6:42 शाम तक। तो इन दो दिनों में आपको माँ दुर्गा श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आप सभी को रामनवमी और बैसाखी की बहुत बहुत बधाई हो, आपके परिवार में खुशहाली रहे। रामनवमी और बैसाखी आपके जीवन में खुशियां लेके आए, यह दो दिन आपके लिए बहुत बढ़िया बीते, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। चंद्रमा आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथे भाव का चंद्रमा जिज्ञासु बनाता है और कुछ प्रश्नों को पैदा करता है। अब प्रश्न ऐसे होंगे कि जिसका जवाब भी आपके ही पास होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि इसका जवाब हमारे पास है। आप इन प्रश्नों का उत्तर ले लेके इधर घूमेंगे, उधर घूमेंगे, इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, हर जगह से आपको गलत उत्तर मिलेगा और आप और परेशान होते जाएंगे, अपना समय खराब करेंगे, और प्रश्नों का सही उत्तर ना मिलने की वजह से आप और परेशान हो जाएंगे, और यही परेशानी आपकी मानसिक चिंता और पीड़ा को बढ़ाएगा, जो आपको हर काम में नुकसान देगा और आपके दिन को खराब कर सकता है। तो आपको बचना है इससे, और इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर आप अतिशीघ्र ढूंढें, खुद से मांगे इन प्रश्नों का उत्तर, अपने परिवारजनों से मांगे इन प्रश्नों का उत्तर, आपको जरूर मिलेगा। इधर उधर तीसरे व्यक्ति के पास ना जाए, किसी की मध्यस्थता स्वीकार ना करें इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। ये प्रश्न आपसे जुड़े हुए हैं, आपके परिवार से जुड़े हुए हैं, तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपने घर परिवार और आपसे ही मिलेगा। और आप इधर उधर भटकेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा बल्कि गलत सलाह मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप दिन को और ख़राब कर लेंगे, शक करने लगेंगे, उल्टी सीधी बातें सोचने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, एकांत प्रिय हो जाएंगे। तो ऐसा ना करें तो बेहतर रहेगा। इससे बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा नहीं सकता था, आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि आप बचना चाहते हैं तो आप योग प्राणायाम और अध्यात्म का सहारा लें और शांत होकर बैठें, थोड़ी देर आपको अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं से ही मिल जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा आपके जीवन में अनेक शुभ परिणाम लेके आने वाले हैं, आपको बहुत सारे शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं इन दो दिनों में। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, जीवन का हर सुख भोगेंगे, जो इच्छा आप रखते हैं वह इच्छाएं पूर्ति होंगी, घर वाहन सुख प्रेम मित्रता का सुख प्राप्त होगा। आपका विवाह हो गया है तो जीवन साथी से मतभेद दूर होंगे और प्रेम बढ़ेगा। सुख व आराम के लिए अधिक मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, कम मेहनत कम प्रयासों में भी भाग्य का साथ मिलेगा और चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। सभी रुके हुए काम निपटाए जा सकते हैं, आपको घूमना फिरना मौज मस्ती पसंद आएगा, मनोरंजन करेंगे घर परिवार के साथ, बच्चों के साथ, जीवन साथी के साथ, मित्रों के साथ या किन्हीं अन्य मित्रों के साथ। आप सभी के चहेते होंगे, आपकी बुद्धि व याददाश्त तेज होगी, छात्रों को आज के दिनों में बहुत बढ़िया पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा, कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ पाएंगे, कुछ ऐसे सवाल थे जिनका उत्तर नहीं मिल रहा था अब मिल जाएगा, यानी उनका दिमाग चलने लगेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे दे, यानी आपकी पढ़ाई लिखाई में आपकी मदद कर दे। तो बहुत बढ़िया दिन रहेगा। छात्रों के लिए भी कोई इंटरव्यू वगैरह है आज के दिन, कोई सरकारी एग्जाम है तो उसके लिए भी समय बढ़िया रहेगा। विषय वासना की तरफ आपका ध्यान हो सकता है, आपका रुझान बढ़ सकता है, विपरीत लिंग की तरफ आप जा सकते हैं, आप कुछ अवैध संबंधों की तरफ जा सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसी महिलाओं से रिश्ता जोड़ सकते हैं जिनसे आपको रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए था। आप अपने जीवन साथी को या अपने प्रेमी को चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, धोखा खा भी सकते हैं। तो अपने दिल और दिमाग को शांत रखिएगा। पैसा मान सम्मान सभी कुछ आपको मिल सकता है, बाकी जो परेशानियां थी, जो कुछ और घटित हो सकता था वह भी मैंने आपको बताया, उस विषय पर भी थोड़ी सतर्कता रखिएगा, नज़र बना के रखिएगा,
और ये तभी सतर्कता और नजर बना के रख पाएंगे जब आपका दिमाग शांत होगा, आप सही तरीके से सोच पाएंगे, नकारात्मक विचारों से दूर रह पाएंगे, नाप तोल कर बोलेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, योग प्राणायाम और ईश्वर का सहारा लेंगे, शरीर को स्वस्थ रखेंगे, तो यह दो दिन बहुत बेहतर है आपके लिए। आपको कोई संकट परेशानी नहीं होगी। और एक खास बात, यदि आपके जीवन में अभी तक प्रेम की कमी थी तो इस समय में प्रेम भी मिल जाएगा, यानी नई मित्रता या आपका नया प्रेम संबंध कायम हो सकता है, और या फिर आपकी शादी किसी कारणवश टूट चुकी है या आपका तलाक या सेपरेशन हो चुका है, तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया समय रहने वाला है। आपको कोई ना कोई आप जैसा मिल जाएगा जैसा आप चाहते हैं। तो अब उपाय क्या करना है, आपको आज के दिन भगवान शिव की आराधना करनी है, उनका जलाभिषेक करना है शिवालय में जाकर, और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता मुझे ना दें, और जितना आप शिव जी पर जल चढ़ाएंगे आपका दिमाग शांत होगा, क्योंकि शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजित है, चंद्रमा को शीतलता मिलेगी, कोमलता मिलेगी, और भगवान शिव के आशीर्वाद से कष्ट दूर होंगे, चंद्रमा शांत होगा और आपका दिमाग अच्छे निर्णय ले पाएगा और आप अच्छे फैसले कर पाएंगे। तो आप सभी लोग इन दो तारीखों को जैसा मैंने बताया, यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा, आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा आप अपनी माता जी का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें, उनकी सेवा करें, चरण छुएं, उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेके जाएं तो और बेहतर होगा। तो खुश रहें, प्रसन्न रहें। हरिओम, नमस्कार।